Very warm and energetic welcome to all of you in Jutics Dental. Today we will be covering classification of cementum. Classification of cementum के पढ़ने से पहले हम कुछ cementum के बारे में basic से जान लेते हैं. Cementum, it is a form, a part of periodontium. Attachment of tooth to periodontal ligaments. Main function cementum के क्या है? Anchorage of tooth. Avascular, mesenchymal origin. आउटर कवरिंग ऑफ एनाटोमिकल रूट. एनाटोमिकल जो रूट है उसको कवर करता है. नो ब्लड वेसल्स एंड नो लिम्फ वेसल्स. नो इनरवेशंस डिपोजिशन थ्रू आउट ऑफ लाइफ. ये कुछ चीज़ें जो एनिमल के बारे जो सीमेंटम के बारे में बेसिक सी है. सीमेंटम का कंपोजिशन के बारे में बात करें तो 40-50% इनऑर्गेनिक कंटेंट मेनली कंप्रोज ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल. 50-55% ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में कौन कौन से? कोलेजन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 12. जो टाइप 1 कोलेजन फाइबर है वो सीमेंटम में ज़्यादा पाए जाते हैं 90% मोस्ट ऑफ. और कोलेजन टाइप 2, टाइप 3 और उसका फंक्शन मेनली फंक्शन है रिपेयर करने का. और जो टाइप 12 कोलेजन फाइबर है उसका लोड बेयरिंग का फंक्शन है. उसके अलावा VEGF वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी सीमेंटम में पाए जाते हैं. अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंटम. दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ए सेल्यूलर सीमेंटम और सेल्यूलर सीमेंटम. ए सेल्यूलर सीमेंटम अल्सो नोन एज अ प्राइमरी सीमेंटम और सेल्यूलर सीमेंटम इज अल्सो नोन एज अ सेकेंडरी सीमेंटम. ए सेल्यूलर सीमेंटम नेम सजेस्ट नो सेल्स. सेल्यूलर सीमेंटम सेल टैप इन सीमेंटम नोन एज अ सीमेंटोसाइट्स. ए सेल्यूलर फर्स्ट फॉर्म होता है और जो सेल्यूलर है वो ए सेल्यूलर बनने के बाद जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सेल्यूलर सीमेंटम. जो ए सेल्यूलर सीमेंटम है डिराइव्ड फ्रॉम हर्थविग एपिथेलियल रूट सी. और जो सेल्यूलर सीमेंटम है वो डेंटल सेक में से बनता है. ए सेल्यूलर सीमेंटम फॉर्म बिफोर द टूथ रीचिंग द ओक्लूजल प्लेन. ओक्लूजल प्लेन में जब टीथ आता है उससे पहले ए सेल्यूलर सीमेंटम बन जाता है. और जो सेल्यूलर सीमेंटम है आफ्टर द रीच ऑफ द ओक्लूजन प्लेन. ओक्लूजन प्लेन पहुँच जाता है उसके बाद सेल्यूलर सीमेंटम बनता है. रेट फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो ए सेल्यूलर सीमेंटम का जो रेट फॉर्मेशन है वो स्लो होता है और जो सेल्यूलर सीमेंटम है उसका रेट फॉर्मेशन फास्ट होता है 30 times मोर देन ए सेल्यूलर सीमेंटम. ए सेल्यूलर सीमेंटम में मोर शार्पिस फाइबर पाए जाते हैं और जो सेल्यूलर सीमेंटम है उसमें लेस शार्पिस फाइबर्स पाए जाते हैं. ए सेल्यूलर सीमेंटम इज अ मोर कैल्सिफाइड और सेल्यूलर सीमेंटम इज अ लेस कैल्सिफाइड बिकॉज सीमेंटोसाइट्स आर प्रेजेंट लेस अमाउंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर देयर इन सेल्यूलर सीमेंटम. थिकनेस की बात करें तो सेल्यूलर सीमेंटम 20-50 माइक्रोमीटर इन सर्वाइकल लाइन और 150-200 नियर द रूट एपेक्स. सेल्यूलर सीमेंट की बात करें तो 100-1000 माइक्रोमीटर. सेल्यूलर सीमेंट का फंक्शन की बात करें तो वो टूथ को एंकरेज करता है. और सेल्यूलर सीमेंटम है उसकी हम बात करें तो एडेप्टेशन एंड रिपेयर का फंक्शन है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ए सेल्यूलर सीमेंटम है वो कोरोनल वर्थ 1/3 पार्ट में पाया जाता है और जो सेल्यूलर सीमेंटम है वो ओपाइकल 1/3 पार्ट में पाया जाता है. और सेल्यूलर सीमेंटम में जो ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं वो है सीमेंटोसाइट्स. ऊपर की तरफ ए सेल्यूलर सीमेंटम और नीचे की तरफ सेल्यूलर सीमेंटम पाया जाता है. अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं. इंट्रिंसिक फाइबर क्या होता है? फाइबर्स फ्रॉम सीमेंटोसाइट्स. जो सीमेंटोसाइट से जो फाइबर आते हैं उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक फाइबर. एक्सट्रिंसिक फाइबर क्या होता है? शार्पिस फाइबर फ्रॉम पेरियोडोंटल लिगामेंट. जो पेरियोडोंटल लिगामेंट में से जो फाइबर आते हैं उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिक फाइबर. मिक्स फाइबर किसको बोलते हैं? बोथ फ्रॉम पेरियोडोंटल लिगामेंट एंड सीमेंटोसाइट. जो सीमेंटोसाइट्स और पेरियोडोंटल लिगामेंट में से दोनों में से जो फाइबर आते हैं उसी को बोलते हैं मिक्स फाइबर और एफेबुलर नो फाइबर. इसमें हम देखें तो जो इस डायग्राम में हम देखें जो सीमेंटम है उसमें से जो फाइबर आते हैं उसी को बोलते हैं सीमेंटम में से आने वाले फाइबर को इंट्रिंसिक फाइबर बोलेंगे. जो पेरियोडेंटल लिगामेंट में जो फाइबर आएंगे उसी को हम एक्सटेंसिक फाइबर बोलेंगे और जो दोनों में से फाइबर आएंगे उसी को हम मिक्स फाइबर बोलेंगे.
नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज शार्पीज फाइबर और पेरियोडेंटल लिगामेंट। ये हमारा सीमेंटम है और ये एलवुलर बोन है। बीच में जो पेरियोडेंटल लिगामेंट है उसके जो एंड है वो ही हमारा शार्पीज फाइबर है। जो शार्पीज फाइबर में से जो फाइबर आते हैं उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिक फाइबर्स, और जो सीमेंटोसाइट में से जो फाइबर आते हैं उसी को बोलते हैं हम इंटेंसिक फाइबर। टाइप ऑफ फाइबर्स एंड ओरिजिन्स ऑफ फाइबर्स के बेसिस पे हम सीमेंटम के 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ए सेल्युलर एक्सटेंसिक फाइबर सीमेंटम, ए सेल्युलर एफिब्रिलर, सेल्युलर इंटेंसिक फाइबर सीमेंटम और सेल्युलर मिक्स और इंटरमीडिएट। दो ए सेल्युलर कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, दो सेल्युलर और बीच वाला इंटरमीडिएट पार्ट में डिवाइड किया है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले आता है ए सेल्युलर एक्सटेंसिक फाइबर सीमेंटम फाउंड इन कोरोनल एंड मिडल पोर्शन ऑफ रूट। मेनली बंडल्स ऑफ शार्पीज फाइबर्स आर प्रेजेंट्स। प्राइमरी फंक्शन टूथ को एंकरेज करना। नेक्स्ट है ए सेल्युलर एफिब्रिकल सीमेंटम फाउंड इन मेनली एट सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द इनेमल, ओवरलैप द इनेमल, नो फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा सेल्युलर इंटेंसिक फाइबर सीमेंटम, उसका मेन फंक्शन है रिपेयर करने का और कंटेन फाइबर्स एंड सीमेंटोसाइट्स फाउंड इन मेनली इन लेक्यूनी। लास्ट है हमारा सेल्युलर मिक्स फाइबर सीमेंटम, उसका मेन फंक्शन है रिपेयर करने का और फाउंड द अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट इन फ्रैक्शनल फर्कशन एरिया। इस डायग्राम में हम समझे तो जो ए सेल्युलर ए फिब्रिकल सीमेंटम है वो पाया जाता है सर्वाइकल पोर्शन ऑफ इनेमल, तो जो दो नंबर का है वो दिखाया गया है वो है ए सेल्युलर ए फिब्रिकल सीमेंटम। जो वन नंबर से दिखाया गया है वो है हमारा ए सेल्युलर एक्सटेंसिक फाइबर सीमेंटम मेनली फाउंड इन कोरोनल एंड मिडल पोर्शन ऑफ द रूट एंड मेनली बंडल ऑफ शार्पीज फाइबर, इसमें शार्पीज फाइबर पाए जाते हैं। जो थर्ड पोर्शन में दिखाया गया है वो हमारा सेल्युलर इंट्रेंसिक फाइबर सीमेंटम, उसका मेन फंक्शन है रिपेयर करने का और कंटेन फाइबर्स एंड सीमेंटोसाइट्स बोथ। जो शार्पीज फाइबर है वो भी कंटेन होता है और जो सीमेंटोसाइट्स का फाइबर है वो बोथ यहाँ पे कंटेन होता है। और जो लास्ट में दिखाया गया है वो सेल्युलर मिक्स फाइबर सीमेंटम फाउंड इन अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट इन फर्कशन एरिया। नेक्स्ट है व्हाट इज हाइपरट्रॉफी ऑफ सीमेंटम और हाइपरप्लेजिया ऑफ सीमेंटम। हाइपरट्रॉफी ऑफ सीमेंटम क्या होता है, फोर्स इज अप्लाइड देन साइज इंक्रीज, इट इज अ फिजियोलॉजिकल नेचर। और हाइपरप्लेजिया सीमेंटम क्या होता है, नो फोर्स अप्लाइड बट साइज इज इंक्रीज, उसी को हम बोलते हैं हाइपरप्लेजिया सीमेंटम, पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है वो। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन सीमेंटम शो एडेप्टिव मैकेनिज्म। 60% ओवरलैप जॉइंट सीमेंटो इनेमल जंक्शन की हम ये बात करें तो 60% ओवरलैप जॉइंट्स, 30% एज टू एज जॉइंट्स और 10% गैप जॉइंट्स। ओवरलैप की हम बात करें तो ये है हमारा इनेमल और ये है हमारा सीमेंटम, तो सीमेंटम ओवरलैप द इनेमल वो 60% केस में बनता है और 30% में इनेमल और सीमेंटम दोनों एज टू एज जॉइन होते हैं वो 30% केस में बनता है, और जो 10% केस में सीमेंटम और इनेमल के बीच में थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। वेरी रेयरली इनेमल में ओवरलैप द सीमेंटम, समटाइम